हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की में आपके एग्रीकल्चर की वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपकी सुपरवाइजर की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, कितने आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्या है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मंगा है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, सारी चीज़ों के बारे में हम जो नोटिफिकेशन में डिटेल से हम उसमें बात करेंगे, और कब से लेकर कब तक आप आवेदन कर सकते हैं वो भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। पर इन सब की बात करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिल सके। ठीक है फ्रेंड, बात करते हैं हम जो हमारी वैकेंसी है इसके बारे में। राजस्थानी आपका कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की वैकेंसी, जिसमें आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की सीधी भर्ती 2021 के लिए परीक्षा होगी। आपके यहाँ पे पद का नाम आप कृषि पर्यवेक्षक, आपका 842 वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखने मिल जाएगी, 882 है। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में आप देख सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, समस्त वांछित सूचना के अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ठीक है, तो आपको एडवर्टाइजमेंट को डिटेल अच्छे से पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन फॉर्म के लिए राज्य से निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र से भी भरा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन को करने से पूर्व अपने SSO ID पर बना लें। तो यहाँ पे आपको देखिए SSO ID होती है, वो बना लें, उसके बाद ही आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर रिक्रूटमेंट पर क्लिक करें, वहाँ पर सीधे भर्ती के लिए अप्लाई पर ऑनलाइन पर क्लिक करें, लॉगिन पेज खुले मिलेगा, जिसमें कि ई मित्र जन सुविधा केंद्र पर SSO ID एवं पासवर्ड से लॉगिन करके आवेदन भरा जा सकता है। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं है उनका नॉट रजिस्ट्रेशन पर यूजर लिंक पर क्लिक करें और SSO ID पर पंजीयन करें। ठीक है, तो पहले सबसे पहले SSO ID बनाए, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा, आप जाके चेक कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों को अपने आवेदन करते समय अपनी जो जानकारी को एक बार चेक कर लें, उसकी त्रुटि है, ई मित्र या किसी को भी जो भी भर रहा है उससे आप परामर्श लें, उससे त्रुटियों को दूर करें। त्रुटियां जो आपकी गलतियां हैं उसको, त्रुटि को दूर करने से पहले एक बार प्रीव्यू चेक कर लें, वहां पर अपनी सारी डिटेल को देखें, फिर इसके बाद वहां पर सबमिट पर क्लिक करें। आवेदन संशोधन की नहीं किया जा सकता, इसमें आप देख सकते हैं इसमें आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो आपको जो फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानी से फॉर्म भरें, जिससे कि आपकी कोई गलती ना हो। ट्रांजेक्शन फील्ड आ रहा है तो आवेदन भरा नहीं हुआ वो माना जाएगा। इस स्थिति पे आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको नंबर दे रखा है, इस नंबर पे आप कॉल करें, हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको SSO ID के लॉगिन पे डैशबोर्ड पर लॉगिन पे क्लिक करना है, वहाँ पे आवेदन करने के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन का आएगा प्रोसेस तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, परीक्षा शुल्क के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे आपको जो सामान्य वर्ग OBC और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, 450 रुपये। राजस्थानी नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए जो कि है पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, 350 रुपये। समस्त जो विशेषज्ञ योजनाओं के अनुसूचित जाति है, इनके 250 रुपये है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लाभ, ये आप फॉर्म के पैसे हैं वो आपको देने होंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है वर्ग के अनुसार यहाँ पे आप डिवाइड कर रखा है, उनके बारे में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिले वर्ग के अनुसार। ठीक है, 12 जिले वहां भी आपको दे सकते हैं डिटेल दे रखी है। अनुसूचित क्षेत्र में क्षेत्रीय आरक्षण के रूप में वैकेंसी की डिटेल दे रखी है, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड। और देखिए उत्कृष्ट खेल खिलाड़ियों के लिए जो कि खिलाड़ी संबंधी प्रावधान है उनके बारे में डिटेल दे रखा है। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थान टूर्नामेंट चैंपियनशिप का नाम यहाँ पे आप दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक स्थिति में, ओलंपिक में, गेम्स में, ग्रीष्मकालीन में, एशियन गेम्स परिषद में, एशियन गेम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल दे रखी है, उसके बारे में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, विशेष योग्यता के बारे में आप आपको दे रखा तो यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहेगी Level 5 की रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे पात्रता शैक्षिक योग्यता की बात करें, भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त से BSc में कृषि या BSc में कृषि उद्यान से ऑनर्स अथवा किसी मान्यता प्राप्त 10+2 की के अधीन कृषि के संस्थान में सीनियर माध्यमिक या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक हो या और देवनागरी हिंदी लिखना आपका आता हो या राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान हो, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ या सम्मिलित हो रहा है उन नियमों को उल्लेखित पदों शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है तथा या सीधी भर्ती के लिए आपको कृषि पद पर्यवेक्षक पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। लेकिन यहाँ पे उपयुक्त चयन एजेंसी के अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा को साक्षात्कार दोनों चरणों के चयन किया
ये परीक्षा या साक्षात्कार के उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल वहाँ परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए अन्य योग्यता देखने को मिल जाएगी। राष्ट्रीयता आपकी इंडियन होनी चाहिए। आयु यहाँ पे देखते हैं 1 जनवरी 2022 के अनुसार 18 होनी चाहिए और 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखिए आपको आयु में छूट के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे इसके बाद डिटेल दे रखी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ओबीसी को 3 साल और SC ST को 5 साल है, फिजिकल डिसेबल वालों को 10 साल दे रखा है यहाँ पर लाभ। तो यहाँ पे आवेदन कैसे करें उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी आ रही है, उसके बारे में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड, डिटेल पूरी यहाँ पे दे रखी है। ऑनलाइन आवेदन के संशोधन की प्रक्रिया आपको उसके बारे में दे रखा है। तो यदि अभ्यर्थी कोई ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है, संशोधन करना चाहता है, तो देखिए उसके अंतिम आवेदन के अंतिम दिवस के बाद, ठीक है, 7 दिन के अंदर आपको उसको आवेदन कर सकते, 300 रुपये आपको शुल्क देना पड़ेगा। तो 300 रुपये शुल्क और देना पड़ेगा अगर आप कोई गलती करते आवेदन के अंतिम दिन के 7 दिन के पश्चात। ठीक है, तो ये डिटेल दी मैंने आप लोगों को बता दिया फ्रेंड। यहाँ पर आपको परीक्षा का स्कीम और पाठ्यक्रम यहाँ पे दे सकते हैं। आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र को भाग है सामान्य हिंदी 15-45 नंबर का होगा, भाग 2 यहाँ पे राजस्थानी सामान्य ज्ञान इतिहास व संस्कृति 25-75 आपको, जो कि भाग 3 शास्त्र विज्ञान 20 आधुनिक आपका यहाँ पे दे रखा है 60 रहेंगे, 20 क्वेश्चन पशुपालन का 20 और 60 100 क्वेश्चन रहेंगे, 300 नंबर रहेंगे। ठीक है, वैकल्पिक आपके रहेंगे, इसमें अधिकतर आपके आपके 300 अंक होंगे, आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 घंटे में करना है, एक आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने 3 अंक, गलत करने में 1/3 अंक आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड ये डिटेल थी जो कि मैंने आप लोगों को बताई किस तरीके से आवेदन करना है। तो फ्रेंड इसका भी आवेदन लिंक है जो कि अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, 16/2 से आप 16/3 तक आवेदन कर सकते हैं, यानी 16 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। जैसे लिंक एक्टिवेट होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये जानकारी थी आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको कोई पूछना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो जरूर हमें बताएं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हैं और दिए गए लिंक पर आपको नोटिफिकेशन की जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो देखने के लिए।